हाय गाइज, माय नेम इज शनशेखर भरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे ओवरव्यू ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम रेगुलेशन और स्टैंडर्ड, यानी कि हम ओवरव्यू ले रहे थे। किसका ओवरव्यू ले रहे थे? इंफॉर्मेशन सिस्टम के रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स का। और हमने ये जाना था कि रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स इसलिए बनते हैं क्योंकि उन रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स को बेंचमार्क की तरह देखा जाए। और मालूम पड़ा एक व्यक्ति है, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर है या कोई भी व्यक्ति है जो रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स को जानता है, हम उसे एक्सपर्ट कहते हैं। और जो रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स को ऑर्गेनाइजेशन उस लैंग्वेज एडहेयर करता है, हम ये कहते हैं कि मिनिमम एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस तो है। जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एग्जामिनेशन पास करेगा तो उसका मतलब ये है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ नॉलेज उसके पास होती है। मतलब हम ये ऑटोमेटिकली ये एश्योर कर लेते हैं क्योंकि एक मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जब आदमी रीच करता है तब वो चीज़ें पास कर सकता है। तो कहने का मतलब ये स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस ये हेल्प करते हैं कि मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टैंडर्ड्स को हम रीच आउट करें। तो इसी तरीके से इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के रिगार्डिंग बहुत सारे कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं और बहुत सारी स्टैंडर्ड्स हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट का स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड 29 है। वो ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट के बारे में बात करता है। तो जो ऑडिटिंग इन कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट, तो बेसिकली उसको हमें फॉलो अप करना है। उसके अलावा कई और स्टैंडर्ड्स को फॉलो अप करना है, जैसे फॉर एग्जांपल इसाका इंस्टीट्यूट जो है, इसाका जो है जो एसोसिएशन है, जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इसाका बोलते हैं, इसाका जो है वो कोविड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करता है। उसका कस्टोडियन है, कोविड का 5वां वर्जन उसने रिलीज़ कर रखा है। तो कोविड बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं और वो स्टैंडर्ड्स जो हैं, अगर किसी कंपनी को सॉक्स कंप्लायंट होना है तो कोविड कंप्लायंट हो गई तो सॉक्स कंप्लायंट ऑटोमेटिकली होगी, हो जाएगी वो, क्योंकि कोविड के स्टैंडर्ड्स फॉलो करते ही आपके सॉक्स के स्टैंडर्ड्स आप फॉलो कर लेंगे। तो आज की डेट में जहाँ पर इंफॉर्मेशन की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है और सिस्टम की बहुत ज़्यादा वैल्यू और इन सब पूरा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट की बहुत ज़्यादा वैल्यू हो रही है, वहाँ पर ये स्टैंडर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जो कोविड स्टैंडर्ड्स हैं उसके बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा और जाना कि कोविड स्टैंडर्ड्स क्या हैं। अब हम पढ़ेंगे कोविड फ्रेमवर्क के बारे में। कोविड फ्रेमवर्क जो है, बेसिकली कोविड फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क होता है एक फ्रेमवर्क बना देना जिस फ्रेमवर्क के अंडर आप काम करोगे। तो बेसिकली कोविड फ्रेमवर्क, कोविड का फ्रेमवर्क क्या होगा? कोविड स्टैंडर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड्स को हमें फॉलो अप करेंगे और वो फॉलो अप करने के लिए वो स्टैंडर्ड जब बन रहे होंगे तो कोई प्रस्पेक्टिव लेकर बन रहे होंगे, कोई आधार होगा जिससे लेकर बन रहे होंगे, उसका कोई फ्रेमवर्क होगा जिससे वो बन रहे होंगे। तो कोविड फ्रेमवर्क जो है वो कुछ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ले के उसमें कुछ कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाई लेवल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनका एक स्ट्रक्चर होता है क्लासिफिकेशन का। तो वो तीन तरीके से इशू ऑफ कंट्रोल को एड्रेस करते हैं। पहला है बिजनेस ऑब्जेक्टिव, दूसरा आईटी रिसोर्सेज, तीसरा आईटी प्रोसेसेस। कहने का मतलब ये है कि एक बिजनेस है, बिजनेस में क्या होगा, कुछ प्रोसेसेस होंगी और कुछ रिसोर्स लगे होंगे। तो आप किस तरीके से देखोगे? आप इसी प्रस्पेक्टिव से देखोगे, मतलब तीन तरीके से ही देखोगे, क्योंकि कोई बिजनेस है तो बिजनेस को कोई ऑब्जेक्टिव होगा, या तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगा, या प्रॉफिट कमाने के लिए होगा, या मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होगा। उसके अलावा उसके बहुत सारे एंसिलरी ऑब्जेक्टिव होंगे, सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस देना है, अगर फेसबुक है तो अपने वहाँ भी एक सर्विस देना है, अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो उसमें अलग टाइप की सर्विस देनी है। तो एक जो बिजनेस बना होगा उसका एक ऑब्जेक्टिव होगा और उसकी कुछ प्रोसेसेस होंगी जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने में हेल्प कर रही होंगी, और कुछ आईटी के रिसोर्सेज होंगे। तो कहने का मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव होगा, आईटी प्रोसेसेस होंगी और आईटी रिसोर्सेज होंगे, तीन चीज़ होंगे। और इसी डायमेंशन से हम कंट्रोल के इशू एड्रेस करेंगे। तो ये बेसिकली फ्रेमवर्क हो जाएंगे। तो पहला जो है बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अगर हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, आज की डेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है का बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशन का बहुत यूज़ हो रहा है, ऑटोमेशन के बाद सेंसर्स लग जा रहे हैं, सेंसर्स डेटा दे रहे हैं, और भी डेटा आता चला जा रहा है और वो इंफॉर्मेशन जो है प्रोड्यूस होती चली जा रही है। तो इंफॉर्मेशन में कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए, कोविड के अनुसार इंफॉर्मेशन में कोई
बिजनेस जो इंफॉर्मेशन क्या कर रही है, बिजनेस रिक्वायरमेंट मीट आउट करने में आपकी हेल्प कर रही है। अब चूंकि वो बिजनेस रिक्वायरमेंट मीट आउट करने की हेल्प कर रही है, इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल हो गई है, तो इंफॉर्मेशन में कोई कुछ कुछ क्राइटेरिया मीट आउट करने चाहिए। तो हमने क्या किया है, कोविड में क्या किया गया है, इंफॉर्मेशन को 7 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है, या बिजनेस ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को 7 भागों में डिवाइड कर दिया। पहले इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट और रिलायबिलिटी। तो लीगल कंप्लायंस होना चाहिए, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव वो होना चाहिए जो लीगली कंप्लायंट है, और उससे उसको जब हम ऑडिट करेंगे तो इस परस्पेक्टिव से करेंगे कि लीगल कंप्लायंट है। तो यानी कि कोविड के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो इस तरह से बनेंगे कि वो लीगल कंप्लायंट हों, या वो लीगल कंप्लायंस को के बारे में बोलेंगे कि लीगल कंप्लायंस आपको रखनी पड़ेगी। दूसरी बात, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि एक अकाउंटेंट है आपके वहाँ काम करने आता है, तो वो कभी होता है ऑफिस में, कभी नहीं होता है, और एक अकाउंटेंट है जो सुबह आता है और रात को जाता है, और वो जो ऑफिस टाइम है उसमें हमेशा आपको अवेलेबल मिलेगा, तो और वो काम कर रहा होगा, उस पर आप रिलाई कर सकते हो। एक रिपोर्ट दे रहा होगा तो रेगुलरली एक पर्टिकुलर टाइम पर रिपोर्ट आपके पास आ जाएगी, तो वो एक रिलायबिलिटी होती है। तो बेसिकली क्या है कि आप जो कोविड फ्रेमवर्क है वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव को 7 भागों में डिवाइड करता है, 7 तरीके से डिवाइड करता है। यानी कि जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, बिजनेस की इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है, वो 7 कैटेगरीज में डिवाइड की जाएगी। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या है, हमने ये जाना था। इफेक्टिवनेस का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को आप मीट आउट कर रहे हो, और वो गोल्स को मीट आउट करने की तरह आप बढ़ते चले जा रहे हो, उसको इफेक्टिवनेस कहते हैं। एफिशिएंसी हमने जाना था कि कम से कम रिसोर्स से आप एफिशिएंसी से काम करो। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी। जहाँ सिक्योरिटी आएगी वहाँ ये 3 चीज़ आएंगी, कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट और रिलायबिलिटी। तो बेसिकली ये 7 क्राइटेरिया हैं, जब भी कोविड का कोई स्टैंडर्ड है हम उसे इसमें इन चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं। अगर बिजनेस इंफॉर्मेशन को देखें, बिजनेस जो जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, जो इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट कर रहे हैं, और उसके लिए क्या है, इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गई और इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट है उस बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए, तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो 7 कैटेगरी में डिवाइड होनी चाहिए। क्योंकि बेसिकली क्या है, आप किस क्या कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन और उसके सिस्टम का ऑडिट कर रहे हो, तो वो इन्फॉर्मेशन को जब भी आप करोगे उसको वो रखी जाएगी, और वो 7 क्राइटेरियाज को मीट आउट करनी चाहिए। सबसे पहले क्या है कि कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए, यानी कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव है आपका, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। दूसरा, इंटेग्रिटी होनी चाहिए, इंटेग्रिटी मतलब उसे चेंज नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज चेंज नहीं होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी, जिसको अवेलेबल होनी चाहिए अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट से कंप्लायंस होना चाहिए। जनरली एक क्लॉज होगा कोविड के हर स्टैंडर्ड्स में, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, या सॉरी ऑडिटिंग और एश्योरेंस स्टैंडर्ड, चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, कि हमें लीगल कंप्लायंस करना है। लीगल कंप्लायंस पैरामाउंट है, लीगल कंप्लायंस इन स्टैंडर्ड्स से पर है, और इन स्टैंडर्ड्स को हमें ऐसे माउल्ड करना पड़ेगा जिससे कि हम लीगली कंप्लायंट हो। तो ये हर एक में होगा। उसके अलावा रिलायबिलिटी होनी चाहिए, उसके अलावा क्या है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी होनी चाहिए। इसके बाद जो दूसरा है वो आईटी प्रोसेसेस हैं, और तीसरा है, दूसरा है आईटी प्रोसेसेस, और तीसरा है आईटी रिसोर्सेज। तो आईटी रिसोर्सेज में लोग होते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम्स होते हैं, टेक्नोलॉजी होती है, फैसिलिटी और डेटा होता है, यानी कि आईटी से रिलेटेड सारे रिसोर्सेज। आईटी से सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्या है, डेटा या इन्फॉर्मेशन। उसके पीछे आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स या ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स। सॉफ्टवेयर के पीछे हार्डवेयर या कंप्यूटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं, और उसके पीछे कंप्यूटिंग फैसिलिटी होती है। सारी चीज़ें कंप्यूटिंग फैसिलिटी में रखी जाती है। कंप्यूटिंग फैसिलिटी में हार्डवेयर या कंप्यूटिंग इक्विपमेंट होते हैं, इसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, और वहीं पर डेटा होता है। डेटा आइदर इन ट्रांजिट होता है, इन रेस्ट होता है। बेसिकली ये जो सिस्टम है, इसके प्रस्पेक्टिव से हमें स्टैंडर्ड्स को देखना होगा। हम इनको कंट्रोल कर सकें, यहाँ पर कंट्रोल, जो भी कंट्रोल इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर सकें, इस तरीके से ये कोविड का फ्रेमवर्क बना है। तीसरा जो चीज़ है वो आईटी प्रोसेसेस हैं। ऑब्वियसली जब बिजनेस होगा
लोग होंगे तो कुछ प्रोसेसेस भी होंगी। तो प्रोसेसेस को हमने चार डोमेन में बांट रखा है। सबसे पहले प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग, दूसरा है एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा है डिलीवरी एंड सपोर्ट, और चौथा है मॉनिटरिंग। यानी प्रोसेस को प्लानिंग करेंगे, ऑर्गेनाइजिंग करेंगे और फाइनली मॉनिटरिंग करेंगे। यानी ये प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर पहले प्लान करने के बाद उसे खरीदेंगे, एक्विजिशन करेंगे, उसका इम्प्लीमेंटेशन किया करेंगे, और फिर वो एसेट्स काम करने लग जाएंगे और डिलीवरी देने लगेंगे या सपोर्ट देने लगेंगे, और फाइनली हम मॉनिटर करेंगे। तो आईटी प्रोसेसेस को चार डोमेन में कोविड में बांट दिया गया है, ताकि कोविड के स्टैंडर्ड्स में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले है प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग। ये इसमें स्ट्रेटेजी, टैक्टिक्स सब चीज़ आ जाती है, क्योंकि स्ट्रेटेजी हम बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, टैक्टिक्स बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं। तो इसमें वो तरीका हम वो वे फाइंड आउट करते हैं जिसमें कि आईटी जो है कंट्रीब्यूट करती है, किसके लिए कंट्रीब्यूट करती है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव के अचीवमेंट के लिए करती है। तो प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान करते हैं और काहे के लिए करते हैं, ताकि बिजनेस ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए, मतलब प्लान इसीलिए करते हैं कि बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है, जो धंधा है, उसको मीट आउट करने के लिए प्लान करते हैं। तो आईटी किस तरह से इस प्लानिंग में कंट्रीब्यूट करेगी, मतलब आईटी किस तरीके से हेल्प करेगी, आईटी फोरकास्ट में कैसे हेल्प करेगी, आईटी लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाने में कैसे हेल्प करेगी, आईटी शॉर्ट टर्म प्लान में कैसे हेल्प करेगी, और फिर ऑर्गेनाइज करने में कैसे हेल्प करेगी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ होती है प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। और प्लानिंग वैसे जनरली क्या होता है, प्लानिंग आपकी जनरली आप प्लान करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे कि प्लान सक्सेसफुल नहीं होते हैं। कई लोगों का कहना है प्लान तो सक्सेसफुल होते ही नहीं है, प्लान तो चेंज होगा, लेकिन प्लानिंग आपको एक आपको कंट्रोल सिचुएशन में रखती है। कहने का मतलब ये है कि आप कहीं पर कोई डिजास्टर हो रहा है तो आपको ये पता चल जाएगा, तो पहले से आपको ये पता होगा कि यार पहले से आप तैयार हो गए, एक रीजनेबल लेवल तक तैयार हो गए। वैसे डिजास्टर के लिए लोग तैयार नहीं होते उतना, लेकिन एक रीजनेबल लेवल तक तैयार हो गए। हर बार प्लान आपको फ्यूचर के लिए तैयार करता है, जरूरी नहीं है आप प्लान्ड पाथ में ही चलें, लेकिन तैयार करता है। फॉर एग्जांपल आप कमांडो ट्रेनिंग के लिए जंगल में जा रहे हैं, तो आपको पता होता है कि ये चीज़ें कंटिजेंसी हैं, इसके लिए बंदूक ले जाओ, चक्कू ले जाओ, खाने को नहीं मिलेगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, समथिंग लाइक दैट। तो वो आप प्लान करते हो, और इसी प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग परस्पेक्टिव से कोविड आपको कोविड स्टैंडर्ड जो है इनको जब कोविड के स्टैंडर्ड्स बनते हैं तो इनको इस प्रस्पेक्टिव से वो देखते हैं। वो ये देखते हैं कि प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में आईटी क्या कंट्रीब्यूट कर सकता है और किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जो आईटी कंट्रोल्स किस तरीके से वहाँ पर लगा सकते हैं। दूसरी बात एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन। तो आईटी की स्ट्रेटेजी और सॉल्यूशंस को पहले आइडेंटिफाई किया जाता है, डेवलप किया जाता है और प्लान किया जाता है, और फिर उसी के अनुसार एक्वायर किया जाता है, यानी कि एसेट्स को एक्वायर किया जाता है, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसके बाद बिजनेस प्रोसेसेस में उसे इंटीग्रेट किया जाता है। और क्या होता है कि इसके एडिशन में जो है, अगर मान लीजिए सपोज एग्जिस्टिंग सिस्टम को आप मेंटेन भी कर सकते हैं, मतलब एक्विजिशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में, इम्प्लीमेंटेशन में एक चीज़ आती है, इम्प्लीमेंटेशन में मेंटेनेंस भी आता है। इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो आपको वो सिस्टम चलाते ही रहना है, तो वो जो सिस्टम चलाते रहोगे तो उसे मेंटेन भी करोगे, तो ये मेंटेन करोगे तो वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद री इम्प्लीमेंटेशन कह सकते हो उसे, या मेंटेनेंस को कह सकते हो। कि अगर मान लीजिए सपोज आप एक सिस्टम को चला रहे हो, वहाँ पर एक लैपटॉप ख़राब हो गया तो दूसरा लैपटॉप लेकर रखते हो, तो एक तरह से उसे मेंटेन करते हो, उस सिस्टम को आप मेंटेन कर रहे हो। तो दूसरा चीज़ है एक्विजिशन और इम्प्लीमेंटेशन। तो कोविड का स्टैंडर्ड इस एक्विजिशन, राइट एक्विजिशन हो, राइट इम्प्लीमेंटेशन हो, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स ना हो, अगर कोई एडवांस हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर ले रहे हैं तो उसमें कॉम्पेटेबिलिटी हो, तो इन सब चीज़ों को एड्रेस करता है, इन आईटी कंट्रोल्स को एड्रेस करता है। फिर फाइनली होता है डिलीवरी एंड सपोर्ट। अब डिलीवरी स्टार्ट हो गई और सपोर्ट सर्विसेज देना स्टार्ट हो गया, तो इस टाइम पर सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कंटिन्यूटी एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑर्गेनाइजेशन को चलते रहना पड़ेगा, अगर वो बीच में रुक गया तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। आप ऑर्गेनाइज को आपने प्लान किया, एक्वायर किया, उसके बाद डिलीवरी और सपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डिलीवरी कंटिन्यूस रहे। यहाँ BCP भी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग, इसी फेज के कंट्रोल्स जो हैं इसी फेज मैं उनको देखा जाता है, क्योंकि डिलीवरी कंटिन्यूस होनी चाहिए, डिलीवरी रुकनी नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए डिज़ास्टर आ गया तो बिज़नेस कंटिन्यूटी होनी चाहिए, लॉजिकल है। अगर डिलीवरी और, तो जो आईटी कंट्रोल्स जो हैं कोविड के कंट्रोल्स, डिलीवरी एंड सपोर्ट के प्रस्पेक्टिव से भी
इंफॉर्मेशन सिस्टम को देखते हैं। उसके बाद होता है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरली असेस करना है, क्वालिटी और कंप्लायंस देखना है, इसके लिए कंट्रोल रिक्वायरमेंट्स को देखते रहना, ऑडिट करते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैनेजमेंट कैसे कंट्रोल कर सके ऑर्गेनाइजेशन को, और इंडिपेंडेंट एश्योरेंस कैसे हो सके, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं, अल्टरनेटिव सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आप ऑब्टेन करते हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कोविड जो है एक कोविड का फ्रेमवर्क इन सब चीज़ों को देखते हुए बनाया जाता है। तो अगर इसे समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कोविड का फ्रेमवर्क जब हम बना रहे हैं, फ्रेमवर्क मतलब यानी एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं, यानी कि नॉर्मल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में हमने पढ़ा था, सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या होता है, उसमें पॉलिसी प्रोसीजर ये सारी चीज़ें होती हैं, सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है, ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो वो एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होता है, एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उस फ्रेमवर्क में काम होता है। यानी कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, आप कहते हो कि जैसे एक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हो, तो आप वहाँ जाते हो तो एक फ्रेमवर्क होता है, अब आपको इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, इस फ्रेमवर्क को चलाना है, तो उसी तरीके से कोविड का फ्रेमवर्क है। तो फ्रेमवर्क जब ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाएगा तो कैसे बनाया जाएगा, उस फ्रेमवर्क को क्रिएट किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, उसमें वही फ्रेमवर्क में क्या क्या चीज़ें हैं, किस परस्पेक्टिव से उस फ्रेमवर्क को बनाया जाएगा, किस सोच से बनाया जाएगा। इसी तरीके से हम ये सोच सकते हैं कि इसी एनालॉजी की तरफ हम आगे बढ़ें तो हम कोविड के फ्रेमवर्क को भी विजुलाइज कर सकते हैं। कोविड के फ्रेमवर्क क्या है, कोविड का फ्रेमवर्क क्या है, आईटी सिक्योरिटी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम की सिक्योरिटी दे रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट को दे रहा है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम इन्वायरमेंट में डेटा है, डेटा के पीछे सॉफ्टवेयर है, फिर हार्डवेयर है, फिर उसके बाद आईटी फैसिलिटी है। तो कहने का मतलब ये है, और ये बहुत डे बाई डे बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, मतलब हर दिन में ये सारे सिस्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं, इनकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, डेटा की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बाकी चीज़ें ऑटोमेट होती जा रही हैं। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ऑटोमेट होकर या इनकी वैल्यू क्यों बढ़ती जा रही है, ये एक बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेमवर्क जब आप बनाओगे कोविड का फ्रेमवर्क बनता है और या कोविड का स्टैंडर्ड आप देखोगे, उसको एनालाइज करने की कोशिश करोगे, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप एनालाइज करते हो बाद में जब बन जाता है, तो उसके पीछे जो सोच देखोगे और उसको डाइसेक्ट करने की कोशिश करोगे कि वो किस तरीके से बना था, तो उस आपको पता होना चाहिए कि क्या फ्रेमवर्क होते हैं जिसके अनुसार ये बना था। तो इसी तरीके से कोविड के फ्रेमवर्क ये आपको डाइसेक्ट करके बताते हैं कि जिस समय बन रहा होगा उस समय सोच क्या रही होगी। तो सबसे पहले क्योंकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनते हैं तो बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या था ये सोच होगी, और उसके बाद बिजनेस के ऑब्जेक्टिव को मीट आउट करने के लिए क्या कंट्रोल्स लगने चाहिए, क्या स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो स्टैंडर्ड्स लिखे जाएंगे। उसी उसके बाद बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स के बाद आईटी प्रोसेसेस होती हैं, बिजनेस को ऑब्जेक्टिव मीट आउट करना है तो आईटी प्रोसेसेस होती हैं, तो आईटी कौन कौन सी प्रोसेसेस थी उसके कंट्रोल्स के बारे में, इसी तरीके से आईटी रिसोर्सेज जो होते हैं उनमें कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए जाएँ ताकि जो है हम एफिशेंसी, इफेक्टिवनेस, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी, इन सब चीज़ को मीट आउट कर सकें। तो ये था कोविड का फ्रेमवर्क, और कोविड के फ्रेमवर्क में हमने ये जाना कि उसके फ्रेमवर्क में तीन चीज़ें बेसिकली, बिजनेस ऑब्जेक्टिव, आईटी रिसोर्सेज, आईटी प्रोसेसेस, ये डायमेंशन है, ये वेंटेज पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम इशू ऑफ कंट्रोल देखेंगे, और इसी तरीके से कोविड का स्टैंडर्ड बनाए, यही सोचते हुए कोविड का स्टैंडर्ड बनाए, मतलब एक थिंकिंग दे देता है हमें कोविड के स्टैंडर्ड्स के बारे में। फिर हमारी स्टडी का जो अगला टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ कोविड फॉर आईएएस ऑडिट है। कोविड के चार डोमेन्स हैं और 34 आईटी प्रोसेसेस हैं, और हमने पहले पढ़ा था 36 सोर्सेज हैं, इसके अलावा हम अब ये पढ़ रहे हैं, पहले हमने पढ़ा था कि 36 सोर्सेज से कोविड बना है, कोविड के स्टैंडर्ड्स जो बने धीरे धीरे बने वो 36 सोर्सेज हैं। सोर्सेज मतलब जगह से लिए गए हैं, मतलब कोई आप अगर कोई चीज़ बना रहे होते हो तो ऑथर्स की किताबें देखते हो तो क्या सोर्सेज हैं, तो वहाँ 36 सोर्सेज हैं। सोर्सेज में ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, और सोर्सेज में आपकी बुक्स भी होती हैं, सोर्सेज में रेफरेंस मटीरियल होता है, तो वो सब सोर्सेज से कोविड बनाया और वो 36 सोर्सेज हैं। कोविड के चार डोमेन हैं, 34 आईटी प्रोसेसेस हैं और 318 स्पेसिफिक और डिटेल्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो कितने कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं, 318 डिटेल्ड कंट्रोल्ड ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये जो डिटेल्ड कंट्रोल ऑब्जेक्टिव हैं इससे हम अवेलेबल कंट्रोल को इवेल्युएट कर सकते हैं।
तो इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर जो है वो अपनी ऑडिट की अप्रोच, फाइंडिंग और रिकमेंडेशन कोबिट के स्टैंडर्ड्स के अनुसार दे सकता है। कहने का मतलब ये है कि आप एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हो, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में गए, तो अगर आपको कोविड पता है तो कोविड के स्टैंडर्ड्स पता है, तो उन स्टैंडर्ड्स के अनुसार अपनी ऑडिट फाइंडिंग दे सकते हो, ऑडिट अप्रोच दे सकते हो, और उन स्टैंडर्ड्स से ही को ही यूज़ करके आप ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के बारे में सोच सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सा चीज़ है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो ऑडिट करने के लिए, तो आपके दिमाग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में गए नए, पहले ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक आप ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट करने लगते हो। क्यों करने लगते हो ओपनिंग बैलेंसेस का? क्योंकि एक ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड आपको बताता है। तो इसी तरीके से आप काम कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट करते हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो कोबिट है वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स है, उस स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके आप ऑडिट फाइंडिंग देखते हो, उस स्टैंडर्ड्स का यूज़ करके आप कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स देखते हो। आप ये आपके माइंड में रहता है कि ये मिनिमम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट होनी चाहिए, अगर ये मिनिमम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट नहीं है तो आप क्वालिफाई कर देते हो। आप ये भी कह सकते हो कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव अच्छे हैं, लेकिन कोविड पर्टिकुलर लेवल पर कंट्री के हिसाब से, अगर मान लिया सपोज़ एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड्स फॉलोअप नहीं किए जाते, तो आप कह सकते हो अफगानिस्तान में जाओगे तो कि कंपेरेटिव इंडस्ट्री के हिसाब से स्टैंडर्ड्स फॉलोअप किए जा रहे हैं, लेकिन कोविड के हिसाब से स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन आप डेवलप्ड कंट्री में जाओगे तो वहाँ पर मिनिमम स्टैंडर्ड गाइडलाइंस ही कोविड की होंगी, तो फिर वहाँ पर आपको कहना पड़ेगा कि वहाँ पर आप उसको उस तरीके से क्वालिफाई करोगे। लेकिन एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तो लेना पड़ेगा, उस स्टैंडर्ड के अनुसार तो देखना पड़ेगा। उसके अलावा क्या है कि एक मैक्रो बिजनेस परस्पेक्टिव देता है कोविड। अगर आप कोविड के स्टैंडर्ड आपको पता है तो आपको ये पता रहेगा कि आईटी के रिसोर्सेज क्यों आप डिप्लॉय कर रहे हो, आईटी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अलाइन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आईटी की गवर्नेंस को इंश्योर करोगे। उसके बाद आप आईटी गवर्नेंस में जो मेथोडोलॉजी यूज़ की जा रही है मैनेजमेंट के द्वारा, यूज़र के द्वारा, वो आप देखोगे। तो यानी कि एक एक ब्रॉड वे में बिजनेस प्रोस्पेक्टिव को समझने में भी कोविड के स्टैंडर्ड्स हेल्पफुल हैं। तो इसे अगर समराइज करें तो हम ये कह सकते हैं कि कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट हैं इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट की, क्योंकि वो एक मिनिमम लेवल ऑफ कंट्रोल बताते हैं, और जो कोविड है इसमें सर्टेनली हेल्प करता है। ये जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कैसे डेवलप होते हैं, ये बिजनेस इन्वायरमेंट देखा जाता है और टेक्निकल इन्वायरमेंट देखा जाता है। आज की डेट में क्या टेक्निकल इन्वायरमेंट है उसके अनुसार डेवलप किए जाते हैं। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो हैं क्यों होते हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्यों बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, इसलिए बनाए जाते हैं कि मैनेजमेंट स्टाफ आईटी ये सही तरीके से फंक्शन कर सकें, कंट्रोल सही तरीके से कंट्रोल कर सकें ऑर्गेनाइजेशन को, और ऑडिट फंक्शन कर सके। ऑडिट को भी एक रेफरेंस स्टैंडर्ड चाहिए होता है, उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड के अनुसार वो ऑडिट करते हैं। तो ये बिजनेस प्रोसेस ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस प्रोसेस ओनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस के प्रोसेस के जो ओनर हैं जैसे एचआर है, आईटी है, सेल्स है, उनको भी एक मिनिमम स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो हैं क्या करते हैं, बेसिकली एक मिनिमम सेट ऑफ कंट्रोल्स आपको बताते हैं कि ये मिनिमम सेट ऑफ कंट्रोल्स होने चाहिए, प्रिसाइज और क्लियरली डिफाइन करते हैं, और इससे क्या होता है कि इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इकोनॉमी होती है, यानी कि इफेक्टिव होता है यानी गोल्स के पास आप रीच कर सकते हैं, एफिशिएंट होता है और इकोनॉमिक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी आईटी की प्रोसेस को ऑडिट कर रहे हैं तो डिटेल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव आपको पता होने चाहिए, और डिटेल ऑब्जेक्टिव कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कहाँ से पता होते हैं वो आपको कोविड्स या जैसे जैसे स्टैंडर्ड्स से पता होते हैं। उन स्टैंडर्ड्स को पढ़ने के बाद आप जो है मिनिमम आप ये कह सकते हो, केयरफुली कह सकते हो कि ये मिनिमम सेट ऑफ कंट्रोल्स हैं, क्योंकि कल की डेट में ये अगर कोई फ्रॉड हुआ या कोई एरर आ गया या कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ऑडिटर पर भी तो ब्लेम आ सकता है कि ठीक से आपने ऑडिट नहीं किया। तो ऑडिटर के पास भी तो मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, और मिनिमम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अडहेयर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, कोई एक बेंचमार्किंग होनी चाहिए। ये कंट्रोल स्टैंडर्ड्स उसी का काम करते हैं, और कोविड जो है वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड्स है और इस सब चीज़ में हेल्प करते हैं।